नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। देश प्रदेश और जिले के साथ ही इटारसी शहर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का त्योहार बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। हालांकि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व की भांति कार्यक्रम व सुंदर सुंदर झांकियों की प्रस्तुति नहीं हो पाई है। इस बार राष्ट्रीय त्योहार पर कोरोना महामारी का असर देखने को मिला है। नगर पालिका प्रशासन ने गाइडलाइन का पालन करते हुए छोटे रूप में कार्यक्रम को आयोजित किया। मंगलवार को सुबह से ही देशभक्ति गीतों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय त्योहार था। शहर में विभिन्न स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। सिटी कोतवाली में थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद परेड ने सलामी दी और राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद एसटीओपी कार्यालय में एसटीओपी महेंद्र मालवीय ने झंडा फहराया। पत्रकार भवन में जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने ध्वजारोहण किया। सभी पत्रकार उपस्थित रहे। प्रदेश के सबसे बड़े जंक्शन पर स्टेशन मास्टर और आरपीए थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह की उपस्थिति में झंडा बंधन हुआ। शहर के जयस्तंभ चौक पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, नगर पालिका सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने ध्वजारोहण किया व साथ ही तिरंगे के रंग के फुग्गों को आसमान में छोड़ा गया। इसी प्रकार गांधी मैदान में भी ध्वजारोहण हुआ। इस दौरान नगर पालिका का अमला उपस्थित रहा। एसडीएम मदन रघुवंशी के द्वारा इस मौके पर नुक्कड़ नाटक करके सफाई का संदेश देने वाले ग्रुप को सम्मानित किया। मांगे गाए तब जय दाता जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। स्थापना वर्ष 2003 के बाद अपने कर्तव्य निष्ठ समर्पित कर्मचारियों के कठिन परिश्रम एवं दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन एवं विभिन्न स्टाफ अधिकारी एसोसिएशन के निरंतर सहयोग से प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। अंत में मैं रेल परिवार के सभी सदस्यों से आह्वान करता हूं कि आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम राष्ट्र की सेवा में अपनी वचनबद्धता दोहराएं। Thank you.
अरे रात में लेना था ये। पानी वही था एक करके ला। अरे एक भर दे दो ना भाई हाथ में। भाई अनिल मिहानी और देवेंद्र सोनी से हम निवेदन करेंगे कि वे श्री अशोक वाल्मीकि का साल और बड़ी बड़े गांव लड्डू बटवा विजय लड्डू बटवा सबको लड्डू दो फोटो वीडियो दो बढ़िया फोटो लो। एक राउंड मत घुमा केवल फोटो खींच। मैं वीडियो चल रहा क्या? हाँ अरे इसका इसका आजा मुन्ना आजा और एडवोकेट उनके माध्यम से आज ध्वजारोहण होगा। वो मुख्य अतिथि आज के हमारे और हमारे समारोह की अध्यक्षता हमारे पत्रकार संघ की वरिष्ठ सदस्य सुश्री मंजू ठाकुर करेंगी। मैं अशोक वाल्मीकि जी से मंजू ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा पहला कदम ये नागरिक सम्मान होशंगाबाद जिला पत्रकार संघ कर रहा है। ये अस्वस्थ रहते हैं उसका कार्य माला देना पूछा माला बहुत है अलग अलग साथी भाई देवेंद्र सोनी माला पहना है रोहित जी भी पहना है और जो सबसे कम उम्र का पत्रकार हो वो भी आ जाए मुकेश गांधी आप भी माला पहनाओ माला। आज सभी इटारसी वासियों को समस्त गणमान्य नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे राष्ट्र में हमारा गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी से निवेदन है वो सभी जो अपने सादगी पूर्वक आज का त्यौहार समस्त क्षेत्रवासियों को नर्मदांचल वासियों को होशंगाबाद जिला पत्रकार संघ इटारसी की ओर से हम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कोरोना महामारी जो अब समापन की ओर है 6 महीने लंबे कष्ट भोगने के बाद भी आज गणतंत्र का समारोह पूरे देश ने आन बान शान से मनाया। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।